नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में सविता के पाठ सात कविता मेरी ऊंची उड़ी पतंग पढ़ेंगे। बच्चों, पतंग जो है वो हमारे मनोरंजन का साधन है, यह विभिन्न आकारों में विभिन्न रंगों में मिलती है। कहा जाता है चीन के पूर्वी क्षेत्र से इस पतंग उड़ाने की कला की शुरुआत हुई और धीरे धीरे यह पूरे विश्व में फैल गई। हमारे देश में भी ज्यादातर उत्तर भारत में पतंग उड़ाने का खेल बहुत लोकप्रिय है। लोग मकर संक्रांति के अवसर पर, वसंत पंचमी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंग उड़ाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे देश में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी होती है। लोग तरह तरह के आकारों की लंबी चौड़ी हर तरह की पतंग लेकर इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और आनंद उठाते हैं पतंग उड़ाने। कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि यह कितना रोचक और मनोरंजन खेल है। बच्चों, यह कविता 28 पंक्तियों की थी। आज हम इसके आगे भाग अर्थात 14 पंक्तियों के कविता के बारे में ही मेरी ऊंची उड़ी पतंग। आसमान में चढ़ी पतंग, बात बात में लड़ी पतंग, तरह तरह के आकारों की छोटी मंझली बड़ी पतंग, रंग रंगीली छह छड़ी लगती है फुल छड़ी। इन छह पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पतंग जो है वो आसमान में उड़ती है, मतलब वो हवा के साथ लड़ते लड़ते आसमान में ऊपर की ओर उड़ती है और बाग बाग में हवा से लड़ती है ना। तरह तरह के आकारों के पतंगों की कुछ छोटी होती है, कुछ मंझली होती है, कुछ बड़ी होती है। मंझली अर्थात छोटी और बीच की। उसके बाद कवि कहते हैं कि रंग रंगीली छैल छड़ी, मतलब तरह तरह के रंगों की और छैल छड़ी बहुत ही आकर्षक फुलझड़ी की तरह लगती है। आसमान पर जब सूरज चमकता है और पतंग आकर्षक या चमकदार रंगों में पतंग होते हैं वो जब चमकते हैं तो ऐसा लगता है कि फुलझड़ियां फूट रही हैं। तो पहली छह पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान पर जब पतंग जाती है तो हवा से लड़ते हुए ऊपर की ओर चढ़ती है। आसमान को या नभ को चरखी के संग चक्कर खाती पतंग उड़ाने की